Hey guys, welcome to my YouTube channel Rana Education. Guys, today we'll discuss about the third batch of NCHMCT JEE 2021 preparation. Okay, इसमें एक बहुत बड़ा discount offer आपको दिया गया है. So इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, आपके सारे doubts guys clear होने वाले हैं. If you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe it because you will get notified whenever I will make a new video regarding NCHMCT hotel management or any IHM. Okay, तो अगर IHM की hotel management की आपको कोई भी update चाहिए तो आप इस channel को subscribe कर लीजिए. तो आइए video को शुरू करते हैं. नमस्कार, मेरा नाम है मनोज राणा और मैं IHM शिमला में assistant lecturer हूँ. जी हाँ guys, आज हम बात करेंगे time table of complete course of NCHMCT JEE 2021 third batch. Okay, जैसे कि आप सभी को मालूम है second batch is going on, अभी second batch चला हुआ है और उसकी classes till होली 29th of March होनी है. But उससे पहले हम कल, आज ये video record हो रहा है, कल 15 तारीख से हम third batch को guys शुरू करने वाले हैं. तो आइए इस course को explore करते हैं और देखते हैं कि इस course में क्या क्या मिलने वाला है. ओके गाइस, तो राणा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप विजिट करेंगे बैच पे. ओके गाइस, अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. तो ऐप को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद गाइज आप विजिट करेंगे स्टोर पे. ओके स्टोर पे जाने के बाद गाइज आपने क्लिक करना है होटल मैनेजमेंट वाले आइकन पे. जैसे आप गाइज इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ NCHMCT JEE 2021 के कोर्सेज खुल जाते हैं. आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एडवांस NCHMCT JEE कंप्लीट कोर्स, ये जिसका प्राइस 6999 है. गाइज इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आपके सामने खुल जाएगा. जी हाँ गाइज, बहुत बड़ा डिस्काउंट है. अगर आपको ट्रस्ट नहीं है आप इसी चैनल के प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं. जब इसका फर्स्ट बैच 1 जैन को शुरू हुआ था तो इस कोर्स का प्राइस था 10,000. ओके सेकेंड बैच जो 8 फरवरी को शुरू हुआ है, जो अभी भी चला हुआ है गाइज, उसमें इस कोर्स का प्राइस था 9500. बट अभी होली पे बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया गया है गाइस, एंड अभी आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है 6999 पे. ओके ओके, तो देखते हैं इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है गाइस. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रीड मोर पे. ओके उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, कल यानी 15 मार्च से कोर्स शुरू होने वाला है, टिल 12th of June इसकी क्लासेस चलने वाली हैं. अगर आप कल से डेज को काउंट करते हैं तो ये 90 डेज से भी ऊपर गाइज बन जाते हैं. ओके प्लस इसमें आपको डेस्कटॉप रिव्यू भी अवेलेबल है. अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ. आप इस ऐप को अपने सेल फोन पे, अपने आईपैड पे, किसी भी डिवाइस पे आप इस ऐप को और इस कंटेंट को गाइस एक्सेस कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है. तो जैसे हमने रीड मोर पे क्लिक किया है गाइस, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे. इन दिस कोर्स यू विल बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है. फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा वीडियोस एंड पीडीएफ एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल टॉपिक्स जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सर्विस एंड जीके. आपको मालूम है आपके सिलेबस में 5 टॉपिक्स हैं, तो जितने भी 5 टॉपिक्स हैं सभी के रिकॉर्डेड वीडियोस, सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, वो सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे. सेकेंड, मॉक टेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर पेपर 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 से लेकर 2020 तक जो NCHMCT JEE का जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ओके उन सभी के मॉक टेस्ट बना के आपको इस ऐप में दिए गए हैं. मींस आप जैसे उन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करोगे यू विल फील दैट यू आर अटेम्प्टिंग द 2021 एनटीए पैटर्न एग्जाम, क्योंकि वो बिल्कुल उसी सॉफ्टवेयर पे, उसी पैटर्न पे डिजाइन किए गए हैं जिस पैटर्न पे एनटीए आपका एग्जाम अभी जून में गाइज लेने वाला है. मॉक टेस्ट फॉर ऑल टॉपिक्स है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, चाहे वो इंग्लिश का है, सर्विस का है, जीके का है, सभी के मॉक टेस्ट बनाए गए हैं गाइज, एंड सभी के बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें ऐड किए गए हैं. और ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा कि एनटीए का होने वाला है, मोर देन 10,000 क्वेश्चन जिसमें गाइज कवर किए गए हैं. सेकंड है, फोर्थ है शॉर्ट ट्रिक्स. तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना होता है ना, तो ऐसे ट्रिक्स आपको बताए गए हैं जहां से आप बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को कर सकते हैं. टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ओके ये आपको यहाँ पे बताई हुई है. सिक्स्थ पॉइंट है मंथ वाइज जीके 2018 ऑनवर्ड्स. ओके क्योंकि जीके इज लाइक अ ओशन है ना, हमें नहीं पता है जीके वो कौन से फील्ड से पूछ लेगा है ना, और कौन से मंथ का पूछ लेगा. इसीलिए यहाँ पे गाइज 2018 से लेके अभी तक मंथ वाइज, जैसे 2018 जैन, 2018 फेब, ऐसे करके 2020 दिसंबर, 2021 जनवरी, ऐसे मंथ वाइज जीके आपको यहाँ पे
प्रोवाइड करवाया गया है. ओके, सेवंथ पॉइंट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज. मींस हमारी जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या हैपनिंग हो रही है. ओके, वो सारी अपडेट्स आपको मंथ वाइज 2020 जनवरी के बाद से मंथ वाइज दी गई है, ताकि गाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके. और लास्ट इसमें जो एट्थ पॉइंट है लाइव सेशंस. ओके, तो डेली यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे गाइज 6 to 7 यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन आपके किए जाते हैं. ओके, तो अभी हम इसके बाद टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं और कैसे आपके डाउट्स गाइज यहाँ पे क्लैरिफाई किए जाते हैं. ओके, अब देखते हैं इसके कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है. तो आप जैसे ही गाइज कंटेंट पे क्लिक करते हैं, पूरा कंटेंट आपके सामने खुल जाएगा, है ना, विद अ प्रॉपर मोटिवेशनल ओपनिंग. उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, मैथ, सर्विस, जनरल अवेयरनेस, है ना, सारे टॉपिक्स जो भी आपको अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन किए हैं, वो सारे यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में गाइज मिलने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीजनिंग पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, तो रीजनिंग का पूरा आपके सामने खुल जाता है. ये वो वीडियोज हैं गाइज यहाँ पे, जैसे आप देखें रीजनिंग लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आ गया अल्फाबेट टेस्ट, देन सेकंड लेक्चर है क्लासिफिकेशन, थर्ड लेक्चर है एनालॉगी टेस्ट, फोर्थ लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग. ये रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, यहाँ पे उन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग गाइज हो. सेकंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी वीडियोज हैं उनको आप 2 मिनट के लिए फ्री में देख सकते हैं, है ना. मीन्स 2 मिनट का प्रीव्यू आपके लिए फ्री में दिया गया है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको इसमें गाइस क्या क्या मिलने वाला है. पीडीएफ है, उन्हीं टॉपिक्स के पीडीएफ भी अवेलेबल है, एमसीक्यूज भी अवेलेबल है. ओके, और मॉक टेस्ट आप देखें यहाँ पे, मॉक टेस्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, अभी 35 मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है. 35 मीन्स एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं. यू कैन मल्टीप्लाई 35 बाय 25, तो रीजनिंग के कितने सारे क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद यहाँ पे इनकी बाइफरकेशन की गई है, जैसे अल्फाबेट टेस्ट है तो इसके आपके 2 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना. उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन है, जो भी आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉक टेस्ट गाइज बनाए हुए हैं, ना. फॉर अगर मैं आपको रिव्यू दिखाना चाहूँ, जैसे मॉक टेस्ट है क्लासिफिकेशन का है, तो जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं गाइज, तो यहाँ पे ये देखो, है ना, ऐसे आपका ऐसे क्वेश्चन होगा, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, है ना, ऐसे क्वेश्चन होगा. यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी जंप कर सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ या टेंथ क्वेश्चन, है ना. और यहाँ पे आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट जो है वो गाइज ऑटोमेटिकली आपके सामने आपको दिख जाएगा, है ना. तो ये इसका प्रिव्यू था. ऐसे ही एनटीए भी आपका एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही लेता है, वहां भी आपके ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना. तो गाइज ये हमारे मॉक टेस्ट हो गया. गाइज ये आप यहाँ पे लास्ट में देख रहे होंगे रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस. ये क्या है, जैसे फर्स्ट बैच की जो क्लासेस हुई हैं, सेकंड बैच की जो क्लासेस अभी चली हुई हैं, जो लाइव क्लासेस हुई हैं गाइज, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होके यहाँ पे गाइज सेव हो जाती हैं. तो आप इन सभी रिकॉर्डेड वीडियोज को आपको इनका एक्सेस गाइज मिलेगा, है ना. गाइज मॉक टेस्ट की मैंने आपको बात बताई, तो मॉक टेस्ट जो है गाइज यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और जैसे आपका 15 तारीख से कल से ये शुरू हो जाएगा, तो डेली एक नया मॉक टेस्ट इसमें ऐड किया जाएगा टिल एग्जाम. आई एम रिपीटिंग, डेली मॉक टेस्ट ऐड किया जाएगा टिल एग्जाम. ओके, ताकि आप बिल्कुल टच में रहो, है ना, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस गाइज होती रहे, है ना. ओके, तो गाइज ये था रीजनिंग का एग्जाम्पल. बिल्कुल वैसे सेम इसी पैटर्न पे आपको इंग्लिश के, आप देखें इंग्लिश के वीडियोज हैं, पीडीएफ है, एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट है, है ना. उसके बाद आपका रीजनिंग मैंने आपको बता दिया, मैथ्स के सेम ऐसे ही वीडियोज हैं. ओके, पीडीएफ है, एमसीक्यूज है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड आपको यहाँ पे गाइज मिलेंगे. अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा टाइम टेबल है, जो कल से हमारा शुरू होने वाला है थर्ड बैच, उसका टाइम टेबल क्या है और उसकी क्लासेज कैसे होने वाली हैं. ओके, तो ये रहा टाइम टेबल जो हम कल से शुरू करने वाले हैं थर्ड बैच का. ओके, टाइम टेबल ऑफ कंप्लीट कोर्स ऑफ एनसीएचएमसीटी जेईई 2021 थर्ड बैच. ओके, तो गाइज यहाँ पे देखें, कल से हम ये कोर्स को शुरू करने वाले हैं ना, 15 मार्च से लेके टिल 12th ऑफ जून ये कोर्स आपका चलने वाला है गाइज. ओके, अगर आप कल से इसके डेज को काउंट करेंगे तो 90+ डेज यहाँ पे गाइज बनने वाले हैं, है ना. 90+ डेज का ये लाइव सेशंस वाला कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है. ओके, अच्छा टाइमिंग इसकी क्या रहने वाली है. टाइमिंग की अगर हम बात करें तो क्लास टाइमिंग जो है वो 6 to 7 PM. ओके, 6 to 7 PM शाम को डेली इसकी क्लास हुआ करेगी, मंडे टू फ्राइडे. ओके, मंडे से फ्राइडे ये क्लास होने वाली है. सैटरडे को हम जो मंडे से फ्राइडे पढ़ने वाले हैं उसका क्लास टेस्ट जो है वो सैटरडे को, और कंप्लीशन ऑफ एवरी सेक्शन. ओके, जैसे इंग्लिश हम कंप्लीट करते हैं तो उसका क्लास टेस्ट होगा, रीजनिंग हम कंप्लीट करेंगे उसका क्लास टेस्ट होगा, ताकि जो भी आपकी प्रिपरेशन हुई है उसको हम मेजर कर सकें, है ना. संडे विल बी ऑफ, ताकि रेस्ट भी बहुत जरूरी है. ओके,
तो जैसे अगर मैथ की मैं बात करूं तो कल यानी 15 तारीख से हम मैथ को शुरू करने वाले हैं ना, 15 से लेके गाइज 27 मार्च तक है ना हम मैथ पढ़ने वाले हैं। जैसे 15 तारीख को हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ, 16 को हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन एवरेज, 17 को हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस परसेंटेज, 18 को हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, ओके। 19 को हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 20 और 21 को, 20 को क्लास टेस्ट होगा है ना, 21 को छुट्टी रहेगी संडे होगा। 22 को हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 23 को हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, 24 को हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। 25th को हम पढ़ने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, बहुत इजी भी है। और 26th को हम पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास टेस्ट फॉर मैथ्स, क्योंकि 25 तक हम मैथ को खत्म कर चुके होंगे और 26th को आपको मिलेगा इसका क्लास टेस्ट, ताकि आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सको कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, ओके। और 27th को मॉक टेस्ट ऑफ NCHMCT JEE 2014 एग्जाम। गाइस ये स्ट्रेटेजी है एक्चुअली, है ना, हम एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे साथ में ही आपको मिलेगा 2014 NCHMCT JEE एग्जाम का जो फुल मॉक टेस्ट, मतलब 200 मार्क्स का जो एग्जाम होता है उसका फुल आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, ताकि आप उसको अटेम्प्ट करो और साथ में आप ये भी परफॉर्म, ये भी इवेल्युएट कर सको कि आप एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ओके। 27th को हम 2014 का जो NCHMCT JEE का एग्जाम है उसका मैं आपको पूरा मॉक टेस्ट दूंगा, ओके। गाइस जब स्ट्रेटेजी की हम बात करें, उसके बाद हम 30 से लेके 3 अप्रैल तक हम सर्विस एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है गाइस, ओके, कैसे हम ये इस कोर्स में स्टडी करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सभी सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। स्ट्रेटेजी गाइज ये है कि जो ऐप है, ओके, वहां पे सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना, बच्चों को गाइड किया जाता है कि आप उन वीडियोस को देख के आएंगे, ओके। कोई डाउट है अगर आपको तो उसी ऐप में एक चैटिंग की ऑप्शन बनी होती है, जहां पे सारे बच्चे कनेक्ट रहते हैं, वो आपस में उनको डिस्कस करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप स्टडी, ओके, ग्रुप स्टडी और पीयर स्टडी जो बहुत इफेक्टिव होती है, ओके। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको हम जब शाम को 6 to 7 लाइव क्लास होती है वहां पे डिस्कस करते हैं, और इमीडिएट आफ्टर लाइव क्लास 7 बजे आपकी क्लास खत्म होती है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है उसी टॉपिक का, ताकि आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ओके। ऐसे ही हमारे सेशंस होते हैं, ऐसे हमारी क्लासेस होती हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम सारे सेक्शंस को ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे भी मैंने आपको मैथ का बताया है ना कि मैथ हम इन इन डेट्स को ये टॉपिक करेंगे, फिर मैथ का क्लास टेस्ट होगा, फिर 2014 का आपको एग्जाम यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद सेम 30 मार्च से लेके आपका 3 अप्रैल तक हम करने वाले हैं सर्विस एप्टीट्यूड, ओके। उसके बाद सर्विस का क्लास टेस्ट एंड 15 का JEE 2015 का एग्जाम फुल मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। देन 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हम करेंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड, है ना। उसके बाद रीजनिंग खत्म करने के बाद रीजनिंग का क्लास टेस्ट, है ना, और उसके बाद 2016 का मॉक टेस्ट JEE एग्जाम का, वो आपको मिलेगा। उसके बाद 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक हम करेंगे जनरल अवेयरनेस, है ना। इसको खत्म करने के बाद 22 अप्रैल को हम करेंगे क्लास टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, है ना, और उसके साथ ही आपको मिलेगा मॉक टेस्ट ऑफ NCHMCT JEE 2017 एग्जाम, है ना। 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक हम पढ़ेंगे इंग्लिश, ओके। इंग्लिश को खत्म करने के बाद गाइज आपको मिलेगा इंग्लिश का मॉक टेस्ट, है ना, एंड 2018 एग्जाम का फुल मॉक टेस्ट जे एग्जाम का। देन 1 मई को गाइज हम करेंगे मॉक टेस्ट ऑफ 2019 एग्जाम JEE एग्जाम। उसके बाद 3 मई को आपको मिलेगा 2020 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है JEE का, उसका फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, ओके। उसके बाद क्योंकि हमारा अब सिलेबस खत्म हो चुका होगा, लेकिन आप फ्री नहीं रहेंगे, है ना, आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, और 3 मई से लेके टिल 11th 10 ये 10 जून तक आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, और डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ताकि बिल्कुल टच में रहो, ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ दो तो जो भी आपने 1 महीने में पढ़ा होगा, 1.5 महीने में पढ़ा होगा, 90 डेज में पढ़ा होगा, वो फिर आपका बेकार हो जाएगा। तो सिलेबस खत्म करने के बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे टिल 10th ऑफ जून। 11th ऑफ जून को हम एक लास्ट सेशन लेंगे, है ना, जिसमें आपका पूरा एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम में कैसे यू नो आपने नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना है, ट्रिक्स क्या रहते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर, ओके, आपको 11th ऑफ जून को बिल्कुल एग्जाम डेट से एक दिन पहले दिया जाएगा, ओके। तो गाइज ये हमारी एग्जाम की स्ट्रेटेजी है ना।
तो जी हाँ गाइस, जिसको भी कोचिंग चाहिए उसके लिए इससे अच्छा ऑफर नहीं हो सकता। 90 डेज की क्लासेस हैं, ओके, पूरा सिलेबस कवर किया गया है विद रिवीजन एंड विद डेली मॉक टेस्ट। ओके गाइस, ओके गाइस, इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप यहाँ पे अपना स्टेट फिल करेंगे, देन बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। गाइस, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल जाएंगे, है ना। और यहाँ पे आप जैसे वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, किसी भी चीज से आप पे करना चाहें उसको पे करते ही गाइज आपको इस पूरे कोर्स का एक्सेस टिल एग्जाम आपको गाइज मिल जाएगा, है ना। इसके साथ साथ गाइज एक ऑफर आपके लिए और है, वहां पे आपको ये बताया हुआ है कि जिनको लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लाइव क्लासेस नहीं चाहिए क्योंकि उनके सीबीएसई के एग्जाम है, उनके प्लस टू के एग्जाम अभी चले हुए हैं, है ना। तो उनके लिए गाइज जैसे आप एनसीएचएम सिटी JEE वाले आइकन पे जाते हो तो वहां पे आपको अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये एडवांस वाला था, है ना, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं। और ये गाइज आपके सामने एक सुपर वाला कोर्स है ना। इसका प्राइस गाइज पहले 8,000 था, आपको दिख रहा होगा, ओके, लेकिन अभी इसका प्राइस होली डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत सिर्फ 4,999 में आपको ये कोर्स गाइज दिया जा रहा है। यहाँ पे ये एडवांस वाले की कंप्लीट कॉपी है, ओके, लेकिन यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। बट यहाँ पे एक सरप्राइज और है कि जो भी लाइव क्लासेस एडवांस वाले कोर्स में होती हैं वो सारी रिकॉर्ड होके यहाँ पे अपलोड की जाती हैं, ओके। सो गाइज ये जो कोर्स है ये कंप्लीट एडवांस वाले की कॉपी है, ओके, उससे कम प्राइस में है, ओके, सेम वैलिडिटी है, एवरीथिंग, सब कुछ जो उसमें आपको मिलने वाला है वो इसमें भी मिलेगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं होंगी और इसका प्राइस जो है वो 4,999 गाइज है, ओके। एक कोर्स आपके लिए और डिजाइन किया हुआ है, वहां पे कुछ बच्चों को सिर्फ मॉक टेस्ट ही चाहिए थे, है ना। तो गाइज मॉक टेस्ट के लिए एक अलग से कोर्स बनाया हुआ है, दिस वन, ये आपका मॉक टेस्ट NCHMCT JEE। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो सारे जैसे इंग्लिश है, इस पे क्लिक करेंगे तो सारे मॉक टेस्ट जो इंग्लिश के वो खुल जाएंगे, 10,000 प्लस क्वेश्चन जिसमें गाइस कवर किए गए हैं, ओके। तो जिसको सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस चाहिए उसके लिए अलग से कोर्स है ना। सबका परचेज करने का प्रोसीजर सेम है, ऑलराइट, एंड इसका प्राइस जो है सिर्फ 2,499 गाइस रखा हुआ है। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इस वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी लाइक टू सी यू ऑल स्टूडेंट्स टुमारो इन द क्लास। बाय बाय, टेक केयर। Okay then, thank you for watching, and if you find this video informative, then please like it, share it with the needy students, okay, and at your social platforms. Guys, वैसे मैंने सारे ही doubts आपके clear कर दिए हैं, अगर फिर भी कोई आपका doubt रहता है तो इस video के description आप जरूर check कर लेना, वहाँ पे सारे doubts आपके guys clear किए गए हैं. Okay then, bye bye and take care.